हरियाणा में अब घर बैठे अपडेट होगी परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि। खट्टर सरकार ने शुरू किया सिटीजन डेटा वेरिफिकेशन पोर्टल। जी हां, अगर आप भी परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाने को लेकर परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब आप घर बैठे पीपीपी में जन्म तिथि ठीक करवा सकेंगे, साथ ही वोटर कार्ड की गलतियां भी दुरुस्त करवा सकेंगे, क्योंकि सरकार ने सिटीजन डेटा वेरिफिकेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर जाकर उसमें मांगी गई जानकारी देकर गड़बड़ियों को ठीक किया जा सकता है। इसमें पीपीपी में जन्म तिथि के अलावा वोटर कार्ड को भी अपडेट करवाने की सुविधा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ फरीदाबाद में अब तक करीब 5,38,000 लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जन्म तिथि और इनकम में गड़बड़ियां मिली है और इसे ठीक करवाने के लिए लोगों की सेक्टर 12 लघु सचिवालय में लंबी कतारें लग रही है। बता दें, पिछले 11 महीने से लोग अपनी पीपीपी की गलतियों को ठीक करवाने के लिए भटक रहे थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों की जन्म तिथि को लेकर आ रही है, उन्हें काफ़ी धक्के खाने पड़ रहे थे। लेकिन सरकार द्वारा शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए अब लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी। वही परिवार पहचान पत्र के नोडल अधिकारी और एडीसी आनंद शर्मा ने बताया कि डेटा वेरिफिकेशन पोर्टल का पेज खुलने पर वेरिफिकेशन टाइप का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करने पर दो विकल्प खुलेंगे, पहला जन्मतिथि और दूसरा वोटर आईडी। दोनों में जो ठीक करना हो उस पर क्लिक करें। नीचे के कॉलम में पीपीपी नंबर डालें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद जन्मतिथि या वोटर आईडी की गलतियों को ठीक करना होगा, साथ ही उससे संबंधित कागजात अपलोड करने होंगे, जिसके बाद आपकी परिवार पहचान पत्र में हुई गलतियां ठीक हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।